नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर ईजीवे ग्लोबल। आज हम बात करेंगे डीजीटी के बारे में, सीआईटीएस के बारे में, एनसीबीटी के बारे में, आईटीआई कॉलेज के बारे में, तमाम हम बातें करने वाले हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर कीजिएगा, और जितने भी आईटीआई के बच्चे हैं जो सीआईटीएस करना चाहते हैं या सीआईटीएस वाले जितने स्टूडेंट हैं, सब लोगों के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज वो काला सच आपको हम बताने वाले हैं, पर्दे के पीछे क्या खेल चल रहा है वो भी आपको हम आज बताने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम बताते हैं कि पूरे भारत में लगभग 14 से 15,000 आईटीआई कॉलेज है, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिलाकर। ठीक है, डीजीटी का एक रूल आया था 2019 के आसपास कि 2020 और 22 तक सारे आईटीआई कॉलेज में सीआईटीएस पास इंस्ट्रक्टर होना चाहिए। अगर जिस भी कॉलेज में सीआईटीएस पास इंस्ट्रक्टर नहीं होंगे, उस कॉलेज को बंद कर दिया जाएगा, उनकी सीटें कम कर दी जाएगी, तमाम तरह की बातें लिखी गई थी। लेकिन वास्तविकता यही है कि आज भी बहुत सारे कॉलेज में सीआईटीएस इंस्ट्रक्टर नहीं रखे गए हैं, सीआईटीएस ट्रेंड इंस्ट्रक्टर नहीं है, बहुत सारे कॉलेज में गेस्ट से काम चलाया जा रहा है, बहुत सारे कॉलेज में लैब नहीं है, तमाम चीज़ें हैं। इन सबके बीच निमी की तरफ से, डीजीटी की तरफ से CITS कोर्स कराया जाता है, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम, जिसके तहत CITS करने वाले बच्चे CITS करते हैं और करने के बाद ITI कॉलेज में अनुदेशक बनते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि जो हमारे तीन मुख्य कॉलेज थे, चेन्नई, बंगलोर और हैदराबाद, इन तीनों NSTI कॉलेज से बहुत सारे ट्रेडों को हटा दिया गया है, बंद कर दिया गया, मतलब कि वहाँ पे CITS नहीं कराया जाएगा। आइए आपको हम दिखाते हैं सरकार इस पे क्या कर रही है। देखिए, NSTI चेन्नई, जो मुख्यालय कह सकते हैं, DGT के सेकंड ऑफिस कह सकते हैं, जो चेन्नई में है, निम्मी वहीं पे है, बहुत सारे इसका हेड क्वार्टर भी वहीं पे है, मतलब बहुत सारे ऑफिस हैं जहां से DGT कंट्रोल किया जाती करती है बहुत सारे ITI को। अब देखिए, यहां पे कंप्यूटर के सीट को जीरो कर दिया चेन्नई में, कोपा है ही नहीं यहां पे, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को जीरो कर दिया, ड्राफ्टमैन सिविल को जीरो कर दिया। आइए दिखाते हैं, इलेक्ट्रीशियन का जीरो कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का जीरो, फिटर जीरो, मतलब तमाम सीटें यहां से खत्म कर दी गई है, केवल केवल प्लम्बर का 100 रखा गया है और सभी सीटें हटा दिया गया है CTI से। ठीक है, चेन्नई NSTI चेन्नई से ये हटा दिया गया। इसके बाद हम बात करेंगे, आइए दूसरा कॉलेज देखिए, बंगलोर इधर है कहीं, NSTI बंगलुरु यहाँ पे है, यहाँ पर देखिए सारे 00 सीटों की संख्या दिख रहा होगा, 000। ठीक है, ये 00 है, यहाँ बिल्कुल ही जीरो कर दिया गया है, कुछ भी सीटें CITS के लेकर नहीं है किसी भी ट्रेड का। उसी तरह से हैदराबाद को अगर हम देखते हैं, तो अगर आप हैदराबाद को देखना चाहिएगा तो आपको दिखाते हैं हैदराबाद। देखिए इधर एक हैदराबाद में दो कॉलेज है, एक ये है और ये की है, यहाँ पर देखेंगे तो इसको भी सब जीरो कर दिया गया है। ठीक है, जबकि ये सारे कॉलेज CITS के लिए बेहतरीन कॉलेज माने जाते थे और इन सभी कॉलेजों से CTI की सीटें को हटा दिया गया है। ऐसा क्यों किया गया है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, कोई जवाब नहीं देना चाहता है, DGT भी इस पे जवाब देने से बच रही है। कुल मिलाकर यह है कि इस कॉलेज में अगर CTI नहीं कराया जाता है तो फिर यहाँ पे क्या कराया जाएगा। तो यहाँ पे अब मान के चलिए इस कॉलेज को शट डाउन करने की पोजीशन में लाया जा रहा है धीरे धीरे, क्योंकि CTI का बैच वहाँ से ख़त्म करने का मतलब है कि केवल और केवल शॉर्ट टर्म कोर्स बचेगा और कुछ दिनों बाद शॉर्ट टर्म कोर्स भी बंद हो जाएंगे, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म कोर्स करने से बच्चों को अच्छी जॉब या सैलरी नहीं मिलती है, क्योंकि 10 दिन में बच्चे क्या सीख लेंगे, 15 दिन में क्या सीख लेंगे, एक महीने कोर्स करके क्या हो जाएगा। तो लॉन्ग टर्म कोर्स वहाँ पर बंद कर दिया गया है। एक कोर्स और वहाँ पर कराया जा रहा है ITI, दो चार ट्रेडों में वहाँ पर ITI कराया जा रहा है। अब आगे सरकार की क्या प्लानिंग है कहना मुश्किल है, और इन बातों पर किसी का ध्यान नहीं है। एक तरफ सरकार बोल रही है कि हमें 2022 तक ITI कॉलेज में 100% इंस्ट्रक्टर CITS क्वालिफाइड चाहिए, और एक तरफ गवर्नमेंट ही अपने मुख्य कॉलेज में, जो इसके बेहतरीन कॉलेज है, वहाँ पर CITS कोर्स ही ख़त्म कर दिया। अब बताइए कि एक तो ऐसे ही CTI वाले भटक रहे हैं, इनको कोई पूछने वाला नहीं है, दूसरा आप अपने तरफ से कोर्स को भी बंद कर रहे हैं, तो कुल मिलाकर आपकी जो स्पष्ट नीति है क्यों नहीं सामने आ रही है। या तो लोगों को भ्रमित करने का तरीका है कि 22 तक पूरे CITS वाले ट्रेंड इंस्ट्रक्टर रखे जाएंगे ITI कॉलेज में, एक तरफ आपने कोर्स बंद कर दिया, बहाली पिछले 10 सालों से मैक्सिमम राज्यों में नहीं हुआ है, बिहार, UP, झारखंड, तमाम राज्यों की बात करें तो लगभग 5, 7, 7 साल, 8 साल, 10 साल, ये रेंज है जहां पे बहाली नहीं निकाली गई है। और बहाली कहीं निकाली भी गई है तो नियमावली को लेकर
सिस्टम फंसा हुआ है, कहीं सीटीआई को मान्यता मिला है, कहीं सीटीआई को मान्यता नहीं मिला है, कोई बच्चे कोर्ट में है, कोई कहीं पे गेस्ट वाले केस करके रखे हुए हैं। तो कुल मिलाकर ये कि बच्चों के साथ धोखा देना, सीआईटीएस वालों के साथ धोखा देना, ये तमाम चीज़ें खेल चल रहा है। खुद एनएसटीआई की हम हाल बताएं, पूरे भारत के जितने भी एनएसटीआई कॉलेज हैं वहाँ भी सीआईटीएस बच्चों को पढ़ाने के लिए, सीआईटीएस वाले जो वहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं सीआईटीएस में, उनको पढ़ाने के लिए भी इंस्ट्रक्टर की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। गेस्ट के भरोसे काम चलाया जा रहा है, जूनियर कंस्ट्रक्टर जेसी के भरोसे काम चलाया जा रहा है। तो रिक्रूटमेंट प्रक्रिया पूरी तरह से बंद कर दी गई है, और अब तो आईटीआई कॉलेज को भी सीआईटीएस करने का डीजीटी ने आदेश दिया है। बहुत सारे कॉलेज में नाम भी दिया गया है प्रोफेटक्स में, उसमें सीटीआई किया जाएगा, लेकिन वहाँ पर प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। क्या वहाँ पर पीओटी, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग ट्रेनिंग मेथोलॉजी पढ़ाने के लिए कोई फैकल्टी है? इन तमाम चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो मेरा कहना यह है कि जितने भी सीआईटीएस के हुए लोग हैं, जो सीटीआई किए हैं, जो बच्चे सीटीआई करने जा रहे हैं, वो लोग आप लोग डीजीटी को मेल कीजिए, पूछिए कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्या फ्यूचर में इस कोर्स को बंद करने की प्लानिंग है, या इसको जो कॉलेज है चेन्नई बेंगलुरु हैदराबाद, अगर इसे बंद किया जा रहा है तो इसके पीछे कारण क्या है। और जितने भी सीआईटीएस करने वाले बच्चे हैं, अगर आप बेहतरीन तरीके से सीटीआई करना चाहते थे, ये तीन चार कॉलेज बहुत बेहतरीन थे, और भी कॉलेज अच्छे हैं, लेकिन उन सबों में ये बेहतरीन कॉलेज हो सकते थे। आप लोग अगर वहाँ पर इंटरेस्टेड हैं, उस जगह से बिलोंग करते हैं, तो आप लोग भी अपना आवाज़ उठा सकते हैं, डीजीटी को मेल करके पूछ सकते हैं, पूछिए कि आखिर क्या कारण है कि हमारे सीटों को वहाँ पर ख़त्म कर दिया गया। और ईमेल आईडी के लिए डीजीटी के वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, वहाँ से ईमेल मेल आपको मिल जाएगा। कॉल कॉन्टैक्ट नंबर भी बहुत सारे ऑफिसर्स का है, वहाँ से कॉन्टैक्ट भी आप लोग कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो आपको जानकारी देना था, आप लोगों को पता नहीं होगा, ये सारी चीज़ें प्रोस्पेक्टस में भी दे दिया है, हटा दिया गया है, ठीक है। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है ये तो मुझे भी नहीं पता है, सरकार बता भी नहीं है, डीजीटी का कोई ऑफिसर बोलने को तैयार नहीं है, ऐसे में क्या कर सकते हैं हम लोग। तो बस यही है कि अगर आप हाथ पर हाथ धके बैठे रहेंगे, अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, पूछेंगे नहीं, सवाल नहीं करेंगे, तो आपको कुछ नहीं बताया जाएगा, और आपके पैर तले ज़मीन खिसक जाएगी, फिर भी आपको एहसास नहीं होगा। जब तक आप नहीं जाएंगे, जब तक आप खुद से सवाल नहीं करेंगे, सरकार से पूछेंगे नहीं, डीजीटी से सवाल नहीं करेंगे, तो आपका कुछ नहीं हो सकता है। तो अभी मेल करके पूछिए, पता कीजिए, ठीक है। मेरा काम था कि आप तक इन्फॉर्मेशन मैं पहुंचा दूं, क्या अपडेट चल रहा है, इस इन्फॉर्मेशन को मैंने आप तक पहुंचा दिया। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप मेल करके पता कीजिए, पूछिए, जब बहुत सारे मेल जाएंगे तो हो सकता है डीजीटी पर दबाव बने और इस बात को जिक्र करके आपको बता दे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही था, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।